सभी साथियों का नमस्कार। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल LIS Academy में। दोस्तों राजस्थान लाइब्रेरियन का पेपर के एक ही दो दिन बचे हैं, तो ऐसे समय में मैं आप लोगों के लिए एक फास्ट रिवीजन एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि आप लोगों का एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सही समय पर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों थोड़ा कोशिश करते हैं मैं भी तेज़ चलने की ताकि फास्ट तरीके से रिवीजन हो सके और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बोरिंग ना हो। सन 1949 में यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल किस शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों ये था पब्लिक लाइब्रेरी एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल 1949 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये था मैक कॉलविन के द्वारा। राजा रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना जो है फ्रेंड्स हमारी 1774 में स्थापित हुई थी। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया है? तो यह 1975 है। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य करती है? यह डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत। श्रावस्ती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था? तो यह 1918 में बनाया गया था। हरे कृष्णा महल स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में RRF के नाम से पुकारते हैं। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह RRF के द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका उत्तर है लाइबर शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों यह मार्टिन सेरेतिनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस पुस्तकालय विज्ञान के जो है साइंटिस्ट को जाता है? तो यह मेलविल डीवी को जाता है। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डीवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो यह स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है, 1887 में स्थापित। भारतीय पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो यह सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को है। क्वेश्चन है भारत में पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था? तो यह WA बोर्डन को भारत में बुलाया गया था। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को माना जाता है। प्रश्न है 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा का कोर्स शुरू किया गया था? तो यह असाडान डिकेंसन के द्वारा किया गया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? यह SR रंगनाथन को माना जाता है। लिब्रा छदम नाम से कौन जाना जाता है? तो SR रंगनाथन को जाना जाता है। भारत में BLIB कोर्स प्रारंभ करने वाला किस विश्वविद्यालय के द्वारा कब किया गया था? तो यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा 1947 में BLIB कोर्स प्रारंभ किया गया था। भारत में MLIB कोर्स किस विश्वविद्यालय के द्वारा और कब शुरू किया गया था? तो भारत में MLIB का जो कोर्स है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सन 1949 में प्रारंभ किया गया था। भारत में MPhil का कोर्स किस विश्वविद्यालय के द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सन 1978 में किया गया था। भारत में PhD कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सन 1951 में। भारत में किसे सर्वप्रथम PhD की उपाधि प्रदान की गई थी? तो प्रथम PhD की उपाधि DB कृष्णा राव को दी गई थी और सेकेंड PhD की डिग्री पांडे SK शर्मा को दी गई थी। भारत में DLIT कोर्स प्रारंभ करना किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया था? तो यह उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। भारत में सर्वप्रथम डीलिट की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? यह BB शुक्ला को 1992 में प्रदान की गई थी। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है? मेलविल DV साहब को आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
तो दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास चेन्नई में हुआ था। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में पढ़लेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये 1962 में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उपयोगी आप लोगों के लिए साबित हो रहा है और इसको अंत तक जरूर देखिए। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा कब पद्म श्री की उपाधि प्रदान की गई थी? तो दोस्तों यह 1957 ईस्वी में प्रदान की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? तो दोस्तों यह 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में की गई थी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रकाशन कब हुआ था? दोस्तों यह 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? फ्रेंड्स यह 1933 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए, सुनिए, याद करिए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग की रचना कब की गई थी? 1934 ईस्वी में की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? यह 1937 में की गई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यह 1836 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया था? यह 1902 में मिला गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो दोस्तों यह संघ सूची के 7वें परिशिष्ट में है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो दोस्तों यह इंग्लैंड में सन 1850 में लागू हुआ था। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो यह मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या होता है? मित्रों यह पुस्तकालय उपकर होता है। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई है? तो यह 1992 में मनाई गई है। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सा है? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सबसे पुराना संघ है। किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई थी? तो बेंगलोर में की गई थी। वास्तव में किसे विश्व पुस्तकालय संघ माना जाता है? वैश्विक पुस्तकालय संघ हम IFLC को मानते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एम्स नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पटना में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1891 में हुई थी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? तो यह 1969 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो यह BS केशवन थे। डॉक्टर रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त कब किया गया था? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का स्थापना किया गया था? 1931 में FID की स्थापना की गई थी, IID के नाम से किया गया था। दोस्तों किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? IFLC के द्वारा। किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRF ऑफिस दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? 2011 में। किस वर्ष को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया था? यह 1937 में किया गया था। संसाधन सहभागिता अंग किसका होता है? तो यह पुस्तकालय सहयोग का अंग होता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? फ्रेंड्स यह 1876 में स्थापित हुआ था। लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? तो यह 1877 में। और स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन स्थापित हुआ था हमारा 1909 में। बिहार पुस्तकालय एवं पुस्तकालय सूचना विज्ञान कब लागू हुआ था? तो 2008 में हुआ था। मोबाइल लाइब्रेरी के बदले डॉक्टर रंगनाथन ने कौन सा शब्द दिया है? तो यह लाइब्रेरी ऑन व्हील्स दिया है। लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया है? मित्रों यह है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया है।
पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसको माना जाता है? तो दोस्तों यह पाठक प्रलेख पुस्तक प्रलेख कर्मचारी को माना जाता है। इंडियन लाइव नेशनल लाइव बिब्लियोग्राफी INB का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता के द्वारा INB का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1951 में हुआ था। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1957-58 में हुआ था। प्रश्न है हमारा, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। एपगिला किसका प्रकाशन है? तो दोस्तों यह ILA का, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। एपगिला का पूरा नाम क्या है? तो एपगिला का पूरा नाम है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एपगिला का वर्तमान नाम क्या है? तो ILA बुलेटिन इसका वर्तमान नाम है। और ILA बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो दोस्तों यह 1975 से इसका प्रकाशन हो रहा है। ILA बुलेटिन की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या है? तो यह है त्रैमासिक या क्वार्टरली रूप में प्रकाशित होता है। आइसलिक बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो दोस्तों यह 1956 से हो रहा है। और क्वेश्चन है, आइसलिक बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? यह भी एक त्रैमासिक या क्वार्टरली पब्लिकेशन है। आइसलिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से हो रहा है? यह 1966 से हो रहा है। SRELS जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट में SRELS का तात्पर्य है, यह शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में लाइब्रेरी संघ के साथ किस संस्था को मिलाकर क्लिप का निर्माण किया गया? तो दोस्तों यह इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट IIS को मिलाकर किया गया है। IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1958 में हुआ था। प्रश्न है, प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे शांति का नोबेल मिला था? तो दोस्तों यह हेनरी ला फाउंटेन को मिला था। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो यह क्लिप करता है। और इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह रॉयल लाइब्रेरी हेग में स्थित है। रॉयल लाइब्रेरी है किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो यह फ्रांस नीदरलैंड का पुस्तकालय है। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? यह USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। ब्रिटिश म्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय है ब्रिटिश म्यूजियम। अगला क्वेश्चन है, एडवाइजरी कमेटी द्वारा 1963 में किसकी अध्यक्षता में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल तैयार किया गया था? तो दोस्तों यह MD सेन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कौन सा छद्म नाम या सिडोनिम का प्रयोग अपने आलेख हिंदू दैनिक में 1931 में किया गया था? तो लिब्रा और आर्थीमेटिक्स का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। भारत में किसे सर्वप्रथम डीलिट की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों यह बीबी शुक्ला को 1992 में उपाधि दी गई थी। विक्रेताओं के पास रखी पुस्तकों को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सेवार्थ नहीं रखी जाती हैं। जहाँ पुस्तकें सेवार्थ रखी जाती है उस जगह को ही हम पुस्तकालय कहते हैं। प्रश्न है, 1915-16 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? तो मित्रों यह असाडॉन डिकेंसन है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना कब की गई थी? 1938 में की गई थी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन की रचना कब की गई थी? तो दोस्तों यह 1955 में की गई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1836 में उसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। PMEST का सिद्धांत किस के द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों यह हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा 5 जो मूलभूत सिद्धांत है PMEST का सिद्धांत दिया गया है। कौन से वर्गीकरण पद्धति में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया? तो मित्रों यह DDC में किया गया है। भारत में वर्गीकरण शोध के लिए जाने वाली संस्था कौन सी है? तो यह DRTC है। रोल ले गोमिनाटू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन है।
वर्गीकरण का एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों ये एसआर रंगनाथन है। कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो यह 7 एडिशन 1987 में प्रकाशित हो चुके हैं। किस पुस्तकालय वर्गीकरण का विकास यह कटर के द्वारा किया गया? तो मित्रों यह एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का निर्माण किया गया है। विषय वर्गीकरण या सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का विकास किया गया है जेडी ब्राउन के द्वारा 1906 में। डीडीसी में कौन सी अंकन पद्धति का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों यह शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। 5 मूलभूत श्रेणियों का संक्षिप्त नाम क्या है? तो PMST है। पक्ष विश्लेषण या फैसिट एनालिसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। पक्ष विश्लेषण या फैसिट एनालिसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कहाँ स्थापित है? तो ये लंदन में स्थापित है, UK में, और 1952 में स्थापित हुआ है। पुस्तकालय व्यवस्थापन के लिए अपूपा पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर रंगनाथन के ही द्वारा किया गया है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? मित्रों यह मेलविल डीवी साहब को कहा जाता है। बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण पद्धति का विकास किसने किया है? तो मित्रों यह चिबलिस ने 1935 में इसका विकास किया है। UDC में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया? तो फ्रेंड्स UDC में हमारे मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर मेलविल डीवी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों डॉक्टर मेलविल डीवी का जन्म 10 दिसंबर 1851 को और 26 दिसंबर 1931 को मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पक्षों या फेसिट्स के दो एकल आइसोलेट के बीच का संबंध क्या कहलाता है? यह इंट्राफेसिट कहलाता है। UDC के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों तो यह पाल आउटलेट और हेनिला फाउंटेन को जाता है। UDC कब प्रकाशित हुई थी? तो UDC हमारी 1905 में प्रकाशित हुई थी। UDC का निर्माण किस सम्मेलन की उपज है? तो दोस्तों UDC का जो निर्माण है वह हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिब्लियोग्राफी IIB की उपज है। CC के 6ठे संस्करण में कितने खंड हैं? तो ये 3 खंडों में विभक्त है, पोलर क्लासिफिकेशन का 6ठा संस्करण। DDC के किन संस्करणों में कितने टेबल का प्रयोग किया गया है? DDC के 18वें संस्करणों में कितना खंड था? तो DDC का 18वां खंड 3 खंडों में था। DDC का 23वां संस्करण कितने खंडों में? यह 4 खंडों में है। DDC का जो 23वां संस्करण है, मार्क प्रोजेक्ट कौन सी संस्था से जुड़ा है? तो यह IFLA से जुड़ा है। भारत में वर्गीकरण शोध से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? तो दोस्तों यह DRTC बंगलोर जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था नोटेशन एज ए शॉर्ट हैंड साइन? यह EC रिचर्डसन ने कहा था। फोनिक शेड्यूल किस वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है? यह DDC की विशेषता है। क्वेश्चन है, DDC का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 2011 में प्रकाशित हुआ था। DDC में ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। फ्रेंड्स बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही उपयोगी साबित हो गया अंतिम समय में आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा रिवीजन है। UDC में ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया? तो 10 मुख्य वर्गों में, परंतु वर्ग 4 को खाली रखा गया है। एक्सेशन नंबर का अर्थ क्या होता है? उत्तर है, किसी भी पुस्तकालय में किसी पुस्तक की व्यक्तिगत संख्या। कैटालॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा के कैटालॉगस से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय संग्रह की कुंजी किसको कहा जाता है? पुस्तकालय सूची को कहा जाता है। क्वेश्चन है, पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों को सर्वप्रथम किसने सूचीबद्ध किया था? तो चार्ल्स एमिकटर ने 1876 में सूचीबद्ध किया था। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह ग्रीक भाषा के बिब्लियोन शब्द से हुई है। पुस्तकालय सूची और ग्रंथ सूची में क्या अंतर है? तो पुस्तकालय किसी भी पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों की सूची है, वही ग्रंथ सामान्य पुस्तकों की सूची है। ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रकाशन कब किया गया था? एंथोनी पेनजी जो ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय अध्यक्ष थे ने सूचीकरण के कुल 91 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसे 1841 में प्रकाशित किया गया था। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये चार्ल्स एमिकटर के द्वारा 1876 में रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किया गया था, जिसमें नियमों की संख्या 205 थी। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड का निर्माण 1908 में किया गया था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR 1 का प्रकाशन कब किया गया था?
तो दोस्तों ACR-1 का प्रकाशन 1967 में किया गया था। ISBD का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ISBD-M का प्रकाशन 1971 में हुआ था। MART-21 कब लॉन्च किया गया था? तो यह है 1969 में किया गया था। MART-21 का उद्भव वर्ष क्या है? 1999 में US मार्क और केन मार्क को मिलाकर MART-21 का उद्भव हुआ है। CCF का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों CCF का पूरा नाम होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, और इसका प्रथम संस्करण 1984 तथा द्वितीय संस्करण 1988 में प्रकाशित हुआ था। ACR-2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो ये कुल 8 अनुच्छेद होते हैं। CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों ये कुल 6 अनुच्छेद होते हैं। ACR-2 में शीर्षक भाग है पद का चयन किया जाता है तो प्रावधानों के अनुरूप लेखक सहकारक संस्था या आख्या कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के किस पद का चयन किया जाता है? तो दोस्तों क्रमांक या बोधांक काल नंबर का प्रयोग हम शीर्षक भाग में करते हैं। ACR-2 में संकेतन कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? तो दोस्तों संकेतन कार्य को ACR-2 के अनुसार बनाए गए मुख्य प्रविष्टि में सबसे नीचे यानी नोट सेक्शन के बाद दिया जाता है। और CCC में संकेतन कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में दिया जाता है? तो मुख्य प्रविष्टि के कार्ड के पिछले भाग में दिया जाता है। प्रश्न है हमारा ISBN का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। ISBN कितने अंकों का होता है? तो दोस्तों 13 अंकों का होता है। जनवरी 2007 से पहले यह है 10 अंकों का होता था। ISSN कितने अंकों का होता है? तो मित्रों यह 8 अंकों का होता है। ISSN का पूरा नाम क्या है? यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है। भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का कार्यालय दिल्ली स्थित यह कार्य करते हैं। ISSN प्रदान करने वाली संस्था है नेशनल साइंस लाइब्रेरी निष्क्रिय नई दिल्ली। सब्जेक्ट हेडिंग्स एंड कैनन्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों हेडिंग्स एंड कैनन के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम CA कटर ने अपनी पुस्तक रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग में 1876 में किया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का प्रकाशन कब किया गया था? तो LCSH का सर्वप्रथम प्रकाशन 1997-98 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया था। 1909 में इसका खंडों में प्रकाशन शुरू हुआ था। 1914 में इसे 2 खंडों में प्रकाशित किया गया है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ है? तो दोस्तों 2017 में इसका 39वां संस्करण PDF के रूप में प्रकाशित हुआ है। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रथम प्रकाशन किया गया था? तो शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम प्रकाशन 1923 में सियर्स महोदय के द्वारा किया गया था। सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान कौन सा संस्करण प्रकाशित है? तो दोस्तों 2014 में इसका 21वां संस्करण प्रकाशित हुआ है, जिसको WH Wilson कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों यह मध्यम आकार के और छोटे पुस्तकालयों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। मार्क परियोजना की शुरुआत किस संस्था के सहयोग से हुई है? तो यह IFLA के सहयोग से हुई है। और CCF का विकास किसके द्वारा हुआ है? तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का जो विकास है वह यूनेस्को के द्वारा हुआ है। विशेष शीर्षक निर्माण के लिए रंगनाथन द्वारा विकसित श्रृंखला प्रक्रिया का उद्भव किस वर्ष हुआ है? तो दोस्तों इसका प्रयोग 1934 में विशेष शीर्षक की प्राप्ति के लिए वर्गीकृत सूचीकरण पद्धति CCC क्लासिफाइड कैटलॉग में किया गया है। श्रृंखला प्रक्रिया में विशेष शीर्षकों का निर्माण कितने चरणों में होता है? तो ये 6 चरणों वाली प्रक्रिया है। प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये डॉक्टर रंगनाथन ने प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग किया था। यूनिट टर्म इंडेक्स कब और किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये मोर्टिमर टोबे के द्वारा 1953 में की गई है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में संकेतन के बाईं ओर के हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है? तो दोस्तों यह क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए छोड़ा जाता है। ISBD का निर्माण किस संस्था के सहयोग से हुआ था? IFLA के सहयोग से सर्वप्रथम कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग की शुरुआत करने का श्रेय किस
को जाता है। तो दोस्तों यह एचपी लुहान महोदय को जाता है। और अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लिपनेट पुस्तकालय भारत में नेटवर्क का निर्माण का किस वर्ष किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इन्फ्लिपनेट का जो निर्माण है 1991 में, और इसका जो ऑफिस है अहमदाबाद में है। इंटरनेट का विकास का श्रेय किसको जाता है? तो यह यूएस डॉट को जाता है। इंसडॉग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1952 में की गई थी। और यूनेस्को की स्थापना 1946 में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना कब की गई थी? यह 1895 में की गई थी। CDS ICS सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था मित्रों? यह यूनेस्को के द्वारा किया गया था। डिक्शनरी निर्माण करने वाले को क्या कहते हैं हम? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ISO 9960 का संबंध होता है स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM। OCLC नेटवर्क कहाँ स्थापित है? तो यह ओयो USA में स्थापित है। ई डॉक्यूमेंट्स का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कंप्यूटर पठनीय स्वरूप में प्रलेख। कौन से तीन प्रकार के बेसिक लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है? तो दोस्तों मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD-ROM का उद्भव किस वर्ष हुआ था? तो 1985 में हुआ था। टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों यह वर्ड पैड, एमएस वर्ड और वर्ड स्टार को लाया जाता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो यह चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर को जाता है। कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो पास्कल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बग क्या है? तो एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। इनैक का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यूनिक्स, विंडो, लिनक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो दोस्तों ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्हीं दो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पुस्तकालय के नाम बताइए। तो ई ग्रंथालय और कोहा। NCERT द्वारा प्रकाशित किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम बताएं? तो दोस्तों यह प्रोग्रेसिव टीचर एंड इंडियन एजुकेशनल रिव्यू है। प्रलेखों को सूचना विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो यह हैंसन और ग्रोगन के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रलेखों का भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांतों पर आधारित है? डॉक्टर रंगनाथन के। और दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन द्वारा भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन किया गया है। तो प्रलेखों का जो विभाजन है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट के रूप में विभाजन किया गया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। और मित्रों अधिक से अधिक शेयर करिए अंतिम समय में, ताकि आपके सभी दोस्तों का भला हो सके। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, वीडियो बहुत अच्छी है, प्लीज़ शेयर जरूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक। जो लोग राजस्थान लाइब्रेरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी शुभकामनाएँ।